नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज। मैं हूं तनु। गया में आज से पितर पक्ष का आरंभ हो गया है, जिसके कारण देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु गया में श्राद्ध कर रहे हैं और फल्गु नदी में तर्पण कर रहे हैं। इस बार श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम है। हालांकि पिछले साल पितर पक्ष के दौरान श्रद्धालु ना के बराबर आए थे, क्योंकि उस समय लॉकडाउन था। पितर पक्ष के शुभारंभ पर श्रद्धालु फल्गु नदी में बैठकर अपने पुरखों की आत्मा की शांति के लिए पूरे विधि विधान के साथ पिंडदान और तर्पण कर रहे हैं। स्थानीय पंडा सुजीत कुमार मिश्रा कहते हैं कि ऐसी मान्यता है और वेद पुराणों में भी अंकित है कि कभी भगवान श्री राम अपने पिता राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पिंडदान किया था। उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण जी भी यहाँ पधारे थे। मान्यता है कि गया फल्गु नदी में पिंडदान और तर्पण करने से पूर्वजों की आत्मा की शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। यूँ तो यहाँ सालों भर पिंडदान और तर्पण होता है, लेकिन पितृपक्ष में इस धार्मिक अनुष्ठान का विशेष महत्व है। कहा यह भी जाता है कि जो श्रद्धालु यहाँ पिंडदान करने आते हैं, उनके पूर्वजों की आत्माएँ पितृपक्ष के दौरान गया जी तीर्थ में ही वास करते हैं। पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करने और उनको याद करने का यह एक अनूठा धार्मिक परंपरा है। गया से आशीष कुमार की ये रिपोर्ट। जी, आज जो है, आज का महत्व, आज से श्राद्ध पक्ष जो है चालू हो गया। त्रिपाक्षी श्राद्ध जो 17 दिनों की मेला लगती है, वो जो भी जैसे पितृभक्त पुत्र हैं उनका आगमन हो चुका है और सब लोगों से हम लोगों ने भी निवेदन किया है कि जो भी गया जी तीर्थ आए, जो हमारे संपर्क में आ रहे, जो फ़ोन कर रहे हैं, उनको मैं सूचना ये दे रहा हूँ कि कोविड-19 के सारे नियमों का पालन करते हुए गया जी आप पधारे। कोई दिक्कत, कोई समस्याएं नहीं है इसका, जैसे कि भाई चेकिंग होगा, सब चीज़ होगा, उसमें हमारी कोई जवाबदेही नहीं रहेगी। आज का जो पिंड है, ये फल्गु तीर्थ का जैसे पिंड है, यहाँ से पिंड स्टार्ट होते होते अमावस तक ये पिंड का कार्य चलेगा और बराबर निरंतर इसी विधान को जैसे लोग लेकर करके चलते हैं। कोरोना प्रोटोकॉल जगते हुए चलना है, एकदम कोरोना प्रोटोकॉल के सारे नियमों को ध्यान में रखते हुए हमको भी चलना है और तीर्थयात्रियों को भी चलना है। हम तीर्थवीर्थ सुधारनी सभा इलाके 14 सैया, अध्यक्ष गजाधर लाल जी कटरिया। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से आया हूँ। आया मैं गया जी में पिंडदान करने की आस्था से आया हूँ। आपको किसने बताया गया? ये बहुत टीवियों में, समाचारों में पूर्वजे बताते हैं कि राजा रामचंद्र जी के पिताजी दशरथ जी के, रामचंद्र जी ने यहाँ पिंडदान कराया था है? तो उसी तारतम्य में हम लोग पूर्वज के पिंडदान करने के लिए गया जी आज बुंदेलखंड मध्य प्रदेश छतरपुर जिला से आए। जी, 2 साल से कोरोना हो रहा है, कोरोना के चलते आप लोग? हाँ, हम कोरोना का हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हम डिस्टेंसन का पालन कर रहे हैं, कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए पूरी यात्रा की और कर भी रहे हैं। जी, पर्ची अपने बताइए। मैं सुरेंद्र पाठक हूँ, छतरपुर मध्य प्रदेश से, छतरपुर जिले मध्य प्रदेश से हूँ। हम आए हैं रीवा से, नाम है हमारा दिलीप कुमार गुप्ता उर्फ डब्लू के नाम से लोग जानते हैं, ग्राम रघुनाथगंज, जिला रीवा में पड़ता है, थाना लाहौर। मैं यहाँ पूर्वजों के और आशीर्वाद से मुझे ऐसा भाग्य दर्शन करने के लिए गया गजाधर का मिला, जिन्होंने चरणों में मुझे आना पड़ा और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं अपने पूर्वज और यहाँ के गया गजाधर जी से हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूँ कि इनकी कृपा और दया दृष्टि सदैव बना रहे और भाग्य उज्ज्वल रहे, उनका आशीर्वाद साथ साथ सदैव बना रहे। डब्लू गुप्ता नाम है मेरा। हम यहाँ पिताजी का, मतलब घर में जो पुरखे रहे, उनका श्राद्ध करने के लिए। कोरोना था, कोरोना के लिए एक साल से बंद था मंदिर। अरे उसके बाद ये, हाँ, श्राद्ध करने के लिए आप आए हैं? गुड़ से आए हैं, हमारे गांव का नाम गुड़ है। जी, तो पिंडदान का? जी, पिंडदान पितृमोक्ष। नाम आपका? हमारा नाम तुलसीदास गोस्वामी है।